एक बहुत ही प्यारा सा टाइम लैप्स देख के आपको अच्छा लगा हो। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएम वीडियोस। लास्ट कुछ दिनों से जब से मेरा संडे को एक दिन ऑफ था, उसके बाद में जो है 3-4 दिन तक मैं जिम नहीं गया। उसका रीजन ये है, फर्स्ट और सेकेंड डे पे मम्मी को लेकर थोड़ा बाहर जाना था तो वो लेके गया, तो आने के बाद में हिम्मत नहीं हुई कि जिम जाओ, क्योंकि 9 बजे तक ही जिम ओपन रहती है और 9 बजे तक जो है हम बाहर ही थे इसीलिए। और उसके बाद में जो है बैक पेन थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था, जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पाया, बट नाउ आई एम फाइन। कल जो है ऑफिस था, शाम में जो है रेस्ट किया, उसके बाद में आज वीक ऑफ था, आज भी कहीं नहीं गया, बट ये सोचा हूँ कि आज मैं थोड़ा सा जो है वॉक पे जाऊँगा, सो दैट के जो बैक मसल है वो थोड़ा सा जो है वार्म अप हो जाए बैक के लिए, क्योंकि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू विदाउट एनी इक्विपमेंट और बिना अपनी बॉडी को ज़्यादा कुछ हार्म किए हुए। मतलब आप सोच भी सकते हो कि मैं हार्म करूँ, लेकिन फिर भी नहीं होगा, वॉकिंग ऐसी एक्सरसाइज है, सो ऑलवेज ट्राई टू वॉक। और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली है कि सुफियान को जो है पूरे बैंगलोर में नंबर 1 सर्विस प्रोवाइड करने का उसकी कंपनी में उसको एक्सेलेंस मिला। सल्यूट ब्रो, के 6 महीने से 9 महीने के दरमियान में उसने जो है इतनी अचीवमेंट कर लिया, उसको जो है उसके VP वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैंगलोर जो भी है उनका प्रोसेस का, उसने सिग्नेचर करके प्रॉपर सर्टिफिकेट मिला। मतलब ट्रू कॉन्ग्रेट्स। तो मैंने सोचा था कि जिम में जाऊंगा, थोड़ा बहुत शूट करूंगा, वहाँ पे क्या एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, बट नहीं कर पाया, वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो सोचा कि निकाल लेता हूँ, घर पे शूट करेंगे। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि बहुत सारे इंडियंस, यहाँ तक कि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, कि जब अगर मैंने कोई अगर जिम जाना छोड़ दिया या 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, तो उस टाइम पर जो है हम अपना डाइट भी फॉलो करना छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि एक बार जब आपने डाइट चालू कर दिया और उसके बाद में एक्सरसाइज भी ज्वाइन कर रहे हो, और उसके बाद में अगर एक्सरसाइज छोड़ दिए बीच में और आपने जो है डाइट भी ड्रॉप कर दिया, आप इतने जो है प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो है आपका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी गेन होता है और साथ ही साथ में फैट भी बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर आप बीच में 3-4 दिन का गैप ले लेते हो, जिम नहीं जा रहे हो, तो उस टाइम पर भी आपको अपना डाइट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को फिर से रीगेन कर लोगे जो भी फैट आपने लॉस किया था। और एक चीज़ मैंने लाया हूँ जो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी मैं निकलता हूँ जल्दी से, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, वॉक करने के बाद में थोड़ा प्रोटीन डालेंगे। इतने दिन में मैंने वर्कआउट नहीं किया, ना ही मैंने डाइटिंग ड्रॉप किया, बट मैंने जो है प्रोटीन इनटेक कम कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से आप वर्कआउट करते हो तो प्रोटीन जब आप लेते हो तो वो आपकी बॉडी को यूजफुल रहता है, लेकिन जब आप वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हो, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहे हो और फिर भी प्रोटीन ले रहे हो, दैट इज़ वेस्ट फॉर योर बॉडी, जो कि मॉर्निंग में निकल जाता है। एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा अपडेट, प्लांट में जो है एक और कुछ तो ये छोटा वाला होगा है, और ये भी ग्रो कर रहा है, बट इसमें समझ में नहीं आ रहा है ये प्लांट है कह का, क्योंकि एक तरफ से इसके पत्ते जो है ऐसे टाइप के है, देखो फोकस कर ले, और एक साइड पे इसके पत्ते जो है सर्कल, समझ में नहीं आ रहा ये कह का है, और बाकी तो हमारी बेल माशाल्लाह ये अच्छी ग्रोथ कर रही है। अभी पहनते हैं अपने शूज़ और जल्दी से एक स्मॉल स्पिन करके आते हैं। एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट स्पिन किया है, घर से लेके डीमार्ट हमारे पास में है अराउंड अप एंड डाउन अगर सोचा जाए तो कुछ 500 मीटर्स के करीब में है। बस 500 मीटर्स इज़ मोर देन इनफ ओनली नाउ, क्योंकि थोड़ा मुझे वार्म अप करना था अपने बैक के लिए और पूरी बॉडी के लिए, सो दैट के कल मैं जो है प्रॉपरली जिम में जाके एक्सरसाइज कर पाऊँ। बट देन टू जो मेन प्रॉब्लम है वो मुझे बाइक चलाने से हो रही, सो आई विल अवॉइड टू राइड अ बाइक, क्योंकि उसी से शायद मुझे पेन जो है ट्रिगर हो रहा है, एंड आई डोंट वांट टू गेट ट्रिगर्ड, बिकॉज थोड़े दिन में जो है मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने टास्क लिया है कि थोड़ा बहुत तो वेट लॉस करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जैसे कि लास्ट ईयर मैंने जो है एक कैसी चैलेंज लिया था और मैं प्रॉपर तरीके से उस पर खरा उतरा था, तो आई डोंट वॉन्ट कि दिस टाइम जो है मैं उसमें फेल हो जाऊँ, तो इसी के लिए मैंने डाइट जो है प्रॉपर तरीके से रखा हूँ। हाँ, एक्सरसाइज में ऊपर नीचे हो रहा है, बट डाइट कंटिन्यू रहेगी सो दैट के मेरे वेट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, और ओट्स हमेशा मैं ऐड करता हूँ जब भी मुझे जो है वेट लॉस करना होता है। तो इफ़ इन केस यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू सम वेट लॉस, तो ओट्स अपनी डाइट में हमेशा ऐड करना और राइस को अपने डाइट से हमेशा अवॉइड करना। तो कोई भी एक्टिविटी विच आई डू जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ जा रही है, थोड़ा भी उसमें वर्कआउट टाइप में हो रहा है, तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक प्रोटीन शेक ले लेता हूँ विद 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, और विटामिन सी की भी जो है टैबलेट लिया है मैंने। तो हमेशा से मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी मेरे साथ में अगर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कराऊँ, मैं कहीं वॉक पे गया हूँ या जिम गया हूँ, जिम के बाद तो ऑब्वियसली मैं लेता ही हूँ, बट जब मैं वॉक कर रहा था तभी भी मैं जो है ऐसा लेता हूँ। जब मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले से मैंने जो है वॉकिंग थोड़ी बहुत चालू कर दिया था, लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मेरा वेट था 86.5
263 ग्राम समथिंग उस था, मैंने वीडियो में भी डाला था। सो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे चेक करना है कि कितना वेट मेरा रिड्यूस हुआ है, कितनी स्ट्रेंथ मेरी बढ़ी है। जैसे कि पहले दिन पे आपने देखा था डबल बार जो है मैं सिर्फ मुश्किल से 3 मारा था, और अब जब मैं करता हूँ बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने के बाद मैं 6-7 तक कर लेता हूँ। दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्योंकि अपनी कंटिन्यूटी अभी 3-4 दिन से जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, जिम नहीं जा रहा हूँ। तो आई वॉन्टेड टू सी कि कितना ड्रॉप हुआ है स्ट्रेंथ मेरा, कि मैं डबल बार मार पा रहा हूँ या नहीं। पुलअप्स तो भाई होते ही नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज टू एक्टिवेट माय बैक मसल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है लटका हुआ रहता हूँ, बस हैंग करा हुआ रहता हूँ एटलीस्ट फॉर अ मिनट और टू, सो दैट के मेरे बैक में थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए और साथ ही साथ में जो है मुझे आगे इन फ्यूचर पुल अपने आप को करने के लिए स्ट्रेंथ मिले। हम इतना कुछ जानते हैं बॉडी के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, बिना जाने कि हमारे ब्लड में क्या चीज़ की कमियाँ। तो मेरा एक सजेशन ये है, यहाँ तक कि ये बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो भी डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को कुछ शेप देते हैं, अलग लेवल पे जाके अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, वो सभी लोग जो है सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि उनके ब्लड में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करके वो अपनी बॉडी को किस तरीके से टोन अप कर सकते हैं। तो इसी के लिए जब भी अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो कि हार्डकोर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज डाइट वगैरह सब चीज़ करके मुझे अपनी बॉडी चेंज करना है, तो ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और इसी के साथ में एक अपनी सिस्टर भी है कॉलेज टाइम से हमारे साथ में है, जो कि मैं उसको अपनी सिस्टर मानता हूँ। तो वो और उसके हस्बैंड ने जो है मिलकर ब्लड चेकअप सेंटर चालू किया, तो उसका सारा डिटेल्स जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं मुंबई में रहता और अगर ऐसा कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराना होता तो आई एम डैम श्योर कि मैं उसी को कॉन्टैक्ट करता। नाम है नादिया और नवाज, दोनों ने मिलकर चालू किया है, तो आई होप कि आप लोग उनको सपोर्ट दोगे। न्यूली है तो सपोर्ट करिए, होम सर्विस भी है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है कुछ नया स्टार्ट किया है तो उसको सपोर्ट करिए। जनता जनार्दन इज अ किंग। अगर मैं बॉम्बे में होता तो ऑब्वियसली मैं नादिया को कॉन्टेक्ट करता, क्योंकि अपनी है ना, अपने तो अपने होते हैं बॉस। तो मैं उसका सारा जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है उसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यही नहीं, वो साथ ही साथ में जो है आरटीपीसीआर का टेस्ट भी कराते हैं, एंटीजन टेस्ट भी होता है, तो कोविड का अगर जिस किसी को भी चाहिए रहेगा टेस्ट वगैरह कराने का तो उसके पास से करा सकते हैं। कुछ व्लॉगर ऐसे हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, एक है मुंबई का निखिल, सेकंड फ्लाइंग बेस, थर्ड MSK, मतलब ये तीन को मैं बहुत, MSK को तो मतलब जब 500 सब्सक्राइबर्स थे तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, बट इतना कभी कट फीलिंग्स आया नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट देर आए दुरुस्त है, बनाए प्रीवियस चैनल बट कुछ इशू के वजह से वो बंद हुआ, उसके बाद मैं फिर से चालू किए। हार नहीं मानना चाहिए लाइफ में कभी भी, और हार्डवर्क करते रहो, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बट टाइम लगेगा। तो आज बनी है बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी, फ्राइड चिकन, और ये है कचुंबर, बट क्या करें हमारा खाना तो सिर्फ ये है, ओट्स विद आलमंड्स एंड हनी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये वन ऑफ द सैक्रीफाइस विच वी हैव टू डू टू लूज आवर वेट। सो बस गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, और अगर साथ में शेयर कर लेना, मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। I will get you in my next video. Till that time, ride safe, be safe, respect your mom, respect your family. As always, allow us. पीछे आइसक्रीम का डब्बा है, आइसक्रीम नहीं है उसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट है।